हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अभी जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा कि हम लोग आज कजाकिस्तान में हैं। अभी ये वीडियो कजाकिस्तान के बारे में रहने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ का सेट्टी विलेज दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर एक विलेज बना हुआ है। तो हम लोग वहाँ जाने वाले हैं इस ब्लॉग में। और इस वक्त की बात करूँ तो अभी इस वक्त में मैं हूँ अभी अलमाटी में हूँ, यहाँ की एक सिटी है, वहाँ पे हूँ। कल रात हम यहाँ पे लैंड हुए हैं। तो आज पहला दिन है बेसिकली हमारा, और आज हम लोग जाने वाले हैं सेट्टी विलेज देखने के लिए। तो देखते हैं कि कैसा विलेज है और एक साथ में एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ नीचे लॉबी में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं मेरा, और हमारी गाड़ी भी अभी आने वाली है। अभी टाइम हो चुका है यहाँ पे, सुबह के 10 बजे हुए हैं और हमें सेट्टी विलेज देखने जाना है। और विलेज यहाँ से अराउंड 4 घंटे जितना दूर है। तो अभी हम लोगों की गाड़ी आई नहीं है, तो मैंने सोचा एक बार थोड़ी करेंसी एक्सचेंज करवा ली जाए। तो अभी मैं यहाँ पे नजदीक ही है, करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ की जो सड़क है, यहाँ का जो वेदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एकदम आपको यहाँ पे रशिया की फील आएगी कि रशिया में हो जैसे। काफ़ी शांत और सुंदर सिटी है ये अलमाटी। तो भाई यहाँ की करेंसी का नाम है टेंगे, और 484 एक यूएसडी डॉलर होता है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 500, मतलब एक यूएसडी का 500 टेंगे मिलता है यहाँ पे, 484 483 जितना। सामने हमारी गाड़ी आ चुकी है, अभी हम लोग निकलेंगे सेट्टी विलेज के लिए, जाके देखते हैं कि कैसी जगह है वो। कजाकिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये कंट्री अपना बॉर्डर शेयर करती है रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिया के साथ। और अगर हम बात करें कजाकिस्तान के वीज़ा के बारे में, तो इंडियंस के लिए एज ऑफ नाउ वीज़ा फ्री कंट्री है ये। यहाँ के लोग कजाकी और रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सेट्टी विलेज देखने जा रहे हैं। वैसे तो सेट्टी विलेज काफ़ी जगहों के लिए फेमस है, बट वहाँ की जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है कोलसाई लेक है और लेक कैंडी है, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे जाके दिखाने वाला हूँ। ऑलमोस्ट हम लोगों को ड्राइव करते हुए 1.5 घंटा 2 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे पेट्रोल पंप पे यहाँ पे, और साथ में ही इसके ये स्टोर बना हुआ है। ये सेम इंडिया जैसा ही है, तो पेट्रोल पंप पे बड़ी सिटीज में तो होता ही है पेट्रोल पंप पे स्टोर वगैरह। और यहाँ पे भी कजाकिस्तान में भी सीएनजी चलती है। सामने देखो आप, सीएनजी का स्टेशन है, पेट्रोल भी है यहाँ पे और सीएनजी भी है लोगों की गाड़ियों में। तो मैंने आउट ऑफ इंडिया में पहली बार सीएनजी देखी है। तो अभी हम लोग 4 घंटे की ड्राइव के बाद सेट्टी विलेज पहुंच चुके हैं। अभी हमें कैंडी लेक देखने जाना है। तो उसके लिए ये जो गाड़ी दिख रही है सामने, ऐसी गाड़ी जाती हैं, ऐसी कोई जाएगी गाड़ी, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कौन सी गाड़ी में जाना है। फिर वहां जाके हम लेक देखेंगे कैसी दिखती है भाई लेक। पर रास्ता बहुत ही ज़्यादा सीनिक है, बहुत ज़्यादा सुंदर रास्ता है।
रास्ते को देखती है आपकी पूरी थकावट उतर जाएगी। तो अभी हम लोग जस्ट गाड़ी की वेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इस गाड़ी में बैठ के जाएंगे कैंटिली सीखने के लिए। तो भाई ये कंप्लीटली ऑफ रोडिंग हो रही है यहाँ पे, रास्ता बहुत ही खराब है और ये मेटाडोर को भगा रहा है बंदा। थैंक यू। तो यहाँ पे चेक पॉइंट है, यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है। तो जैसे हमने अभी टिकट ली है यहाँ से 2800। अभी हम लोग गाड़ी चेंज कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी ये गाड़ी है वो लेक तक नहीं जाएगी, उसके लिए हमें इस गाड़ी में जाना रहेगा। तो अभी हम लोग इस गाड़ी में आ गए। तो भाई गाड़ी ने हमें उतार दिया है, अभी गाड़ी निकलेगी यहाँ से। तो भाई एक बार मैं टिकट बता देता हूँ कि कितनी है यहाँ पे। तो रास्ते में एक बार हमें एक चेक पॉइंट मिला है, तो वहाँ पे हमने 3000 टेंगे पे किए हैं 5 लोगों के लिए। तो आई थिंक एक बंदे के लिए 2500-300 के आसपास होना चाहिए। अभी थोड़ा वॉकिंग है यहाँ पे और उसके बाद हम लेक पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे आने के लिए 2-3 रास्ते हैं, आप वॉक से आ सकते हो, घोड़े से आ सकते हो और तीसरा रास्ता जो है आप कार से आ सकते हो। तो हम लोग कार से आए हैं। देखो आजू बाजू में कितनी बर्फ है यहाँ पे। भाई फाइनली पहुँच गए हैं हम लोग, कितना अच्छा ब्रिज है देखो यहाँ पे। और ये जो मैं लेक दिखा रहा हूँ इसके अंदर पेड़ है, तो वो पेड़ काफ़ी सालों से ऐसे के ऐसे ही हैं, कई हज़ार सालों से ऐसे के ऐसे हैं और ये आने वाले 50-100 सालों में ख़त्म हो जाएंगे। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। वाओ यार,
व्यू देखो यहाँ का, बहुत ही बेहतरीन व्यू है यहाँ का। ऊपर हल्की हल्की बर्फ भी दिख रही है। जस्ट हम लोग अभी वापस आ चुके हैं अपनी पार्किंग में, सॉरी जो मेन पार्किंग थी हमारी, जहाँ से हमने ये मेटाडोर ली थी गाड़ी, तो हम लोग वहाँ वापस आ चुके हैं। अभी यहाँ से हम लोग सैती विलेज जाएंगे जहाँ पे हमारा अकोमोडेशन है। तो कैंडी लेक की वीडियो आप लोगों ने देखी, तो आप ही बताइए कि कैसी लगी आपको कैंडी लेक। मिलते हैं हमारे अकोमोडेशन में जाके। ये जो पार्किंग है इसके सामने ही देखो आप, आपको वहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये एक्चुअली एक काइंड ऑफ अकोमोडेशन ही है यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे आके रुकते हैं। ये है हमारी गाड़ी जो अभी हमें लेके जाएगी सती हमारे गेस्ट हाउस पे। तो भाई हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपने अकोमोडेशन में। सो ये टेक्निकली एक गेस्ट हाउस है, एक बार आपको दिखाते हैं। इस यहाँ पे मेन एंट्रेंस है इसकी। अभी ये सेक्शन पूरा बंद पड़ा है, आई डोंट नो यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे ऐसा सीटिंग एरिया बना हुआ है, एक बार मैं आपको अंदर दिखाता हूँ जाके कैसा है अंदर से। अच्छी जगह है ना? बहुत अच्छी है। यहाँ पे क्या है इस साइड? किचन से है। अच्छा डाइनिंग एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे है डाइनिंग एरिया। हेलो और ऐसे रूम बने हुए यहाँ पे। यहाँ पे बाथरूम कॉमन है यहाँ पे। और भाई ऐसे हैं रूम यहाँ पे। तो भाई हमने जो कैंडी लेक जाने के लिए गाड़ी हायर करी थी हमने वहाँ पे, जो मेटाडोर थी और फिर आगे 4x4 जो गाड़ी थी वहाँ पे, उसका हमने टोटल पे किया है 7000 टेंगे, मतलब कि इंडिया के कुछ 1100-1200 रुपए होते हैं पर पर्सन हमने पे किया है उसका। वही डिनर हमारा हो चुका है और टाइम हो चुका है यहाँ पे, रात के 8:30 बजे हैं। और ये साटी जो विलेज है ये बहुत ही ज़्यादा शांत विलेज है, मतलब कि शाम को मतलब 5-6 बजे के बाद यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ डेड हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है और काफ़ी कम पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो अगर आप रिलैक्सेशन के लिए आ रहे हैं तो एक दिन मेरे हिसाब से काफ़ी है यहाँ पे रुकना, एक दिन से ज़्यादा रुक भी नहीं पाओगे क्योंकि बहुत बोरियत होती है यहाँ पे। तो अगर आप एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हो और एक दिन के लिए आना चाहते हो तो ये जगह बेस्ट है आपके लिए। तो भाई ये था हमारा इमाती से साटी का ब्लॉग, और जिसमें आपने देखा कैंडी लेक देखा आपने। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और भी ऐसी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए। हम मिलते हैं बहुत जल्दी नए ब्लॉग में। बाय बाय।